प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों आज के इस वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं नीच राशिगत सूर्य पर राहु का प्रभाव। सूर्य नीच राशि कौन सी राशि में होता है? सूर्य जब तुला राशि में होता है तो उसको नीच राशि कहा जाता है और जब मेष राशि में होता है तो बोला जाता है सूर्य उच्च राशि में है। अगर सूर्य नीच राशि में हो, किसी भी स्थान पर सूर्य नीच राशि में हो, 12 भाव में से कहीं भी हो, मैंने यहां लिखा है 7 लिखा है क्यों, इसमें 3-4 योग है, सूर्य कहीं पर भी हो सकता है और सूर्य पर राहु की 3 दृष्टियां हो सकती हैं। राहु अगर राहु यहां से पंचम दृष्टि से देखेगा, यहां होगा तो सप्तम दृष्टि से देखेगा, यहां होगा तो नवम दृष्टि से देखेगा। मतलब सूर्य तुला राशि में हो और राहु चाहे अपनी पंचम दृष्टि से देख रहा है या सप्तम दृष्टि से देख रहा है या नवम दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसे जातक को अपेंडिक्स, किडनी और पथरी आदि रोग होने की पूर्ण संभावना रहती है। अगला, आपका लग्न कोई भी हो और बुध की राशि में शुक्र हो, बुध की राशि दोनों है, मिथुन राशि है और कन्या राशि है, बुध की राशि में शुक्र हो, यहां मैंने कन्या राशि में शुक्र दिखाया है, शुक्र पर शनि का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव जहां पर भी होगा शनि वहां से तीसरी दृष्टि से भी देख सकता है, यहां पर शनि तो तीसरी दृष्टि से देख सकता है, अगर लग्न में है तो दशम दृष्टि से देखता है, सप्तम में है तो सप्तम दृष्टि देखता है, यानी शनि की 3 दृष्टियां होती है, जहां पर स्थित है अपने वहां से तीसरे स्थान पर भी देख सकता है, सप्तम पर भी देख सकता है और अपने स्थान से दशम स्थान पर भी हो तो कहीं पर भी शुक्र कन्या या मिथुन राशि में हो, दोनों बुध की राशि हैं। ऐसे जातक अति दुखी लोक में तिरस्कृत होता है, ऐसे जातक को बहुत ज्यादा दुख मिलते हैं और समाज में उसको तिरस्कार मिल की भावना मिलती है, तिरस्कार कर दिया जाता है, मतलब अशुभ योग बनता है। अगला योग है मंगल की दृष्टि हो, यानी शुक्र वही बुध और कन्या राशि में हो और मंगल की दृष्टि हो, तो मंगल की दृष्टि से क्या प्रभाव होगा, कामुक होगा, स्त्री के लिए धन का नाश करने वाला होगा। अगर शुक्र मिथुन या कन्या राशि में कहीं पर भी है, अगर उसको मंगल देख रहा है, मंगल की भी 3 दृष्टि होती है, मंगल यहां से देखेगा तो चतुर्थ दृष्टि होगी, यहां से देखेगा तो सप्तम होगी, यहां से देखेगा अष्टम होगी, यानी उसको कोई सी दृष्टि से शुक्र को देखे तो ऐसा जातक कामुक प्रवृत्ति का होता है और स्त्री के लिए धन का नाश करने वाला होता है। अगला है बुध की राशि पर शुक्र की दृष्टि हो तो गुरु, शुक्र की गुरु की दृष्टि हो, बुध की राशि पर गुरु की दृष्टि हो, गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं, जहां पर गुरु स्थित होता है वहां से पंचम भाव को भी देखता है, सप्तम को भी देखता है और नवम को भी देखता है। मान लिया शुक्र यहां पर है, शुक्र यहां पर है तो गुरु अगर यहां है तो नवम दृष्टि से देखेगा, 7 आएगा 8 नवम दृष्टि से, गुरु अगर यहां है तो सप्तम दृष्टि से देखेगा, अगर गुरु यहां है पंचम दृष्टि से देखेगा। शुक्र पर राहु की भी 3 दृष्टियां होती है, पंचम सप्तम नवम, और गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है, पंचम सप्तम नवम, और मंगल की भी 3 दृष्टियां होती है, अपने स्थान से चतुर्थ भाव में, अपने स्थान से सप्तम में, अपने स्थान से अष्टम में, और शनि की भी 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय दृष्टि, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। शुक्र कहीं पर भी हो तो मैंने आपको ये शुक्र के ऊपर बुध का प्रभाव, यानी शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव, अति दुखी लोक में तिरस्कार, चंचल लोगों से द्वेष रखने वाला और मूर्ख भी हो सकता है, बेवकूफ भी हो सकता है, मंगल की दृष्टि से कामुक स्त्री के लिए धन का नाश करने वाला हो सकता है, और गुरु की दृष्टि से सुखी और गुणवान भी होता है, क्योंकि गुरु
देवताओं के गुरु हैं, गुरुदेव हैं, और शुक्र दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। तो गुरु की दृष्टि होने से ऐसा जातक गुणवान भी होता है और सुखी भी होता है। ये सारे चार के चार योग अभी हम आपको संबंधित कुंडली में दिखाएंगे, विचार करेंगे क्या है। जातक का जन्म 2 नवंबर 1988 नक्षत्र अश्लेषा चरण 3 कृष्ण पक्ष 9 बुधवार को हुआ। 10 को चरण 3 अश्लेषा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र है और माता के लिए अशुभ माना जाता है। जन्म के समय पर धनु लगन उदय हुआ। धनु लगन के 12 अंश 49 मिनट 49 अंश है। धनु लगन में शनि 5 डिग्री लेकर के 19 अंश पर विराजमान है। तृतीय भाव में राहु कुंभ राशि में 17 डिग्री 14 मिनट लेकर के विराजमान है और चतुर्थ भाव में मंगल मीन राशि में 6 डिग्री 20 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं छठे भाव में वृषभ राशि में गुरु 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में कर्क राशि में चंद्रमा अपनी राशि में 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव भाग्य भाव में केतु 17 डिग्री लेकर के अपनी शत्रु सूर्य की राशि में विराजमान है। दसम भाव में शुक्र कन्या राशि में नीच का माना जाता है, 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर दसम भाव में बुध 29 डिग्री लेकर के 30 मिनट लेकर के अपनी उच्च राशि में है, क्योंकि बुध की उच्च राशि है कन्या राशि और शुक्र की नीच राशि है कन्या राशि। एकादश भाव में सूर्य तुला राशि में 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। 10 को यह ग्रह की स्थिति रही। धनु लगन वाले दार्शनिक विचार के होते हैं, सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, लोग बाग इनकी सादगी का अनुचित फायदा उठा सकते हैं और इनको बनावटी बातें बिल्कुल पसंद नहीं होती। लग्नेश गुरु छठे भाव में है, लगन का स्वामी गुरु छठे भाव में है। गुरु लगन का भी स्वामी है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, छठे भाव में है, प्रबल पितृ दोष हो गया। तो हमारे ज्योतिष के विद्वानों का एक कथन है, अगर लग्नेश छठे आठवें बारहवें भाव में होगा तो प्रबल पितृ दोष होगा। जातक को मीठा खाने का शौक भी होगा, रोग शत्रुओं से थोड़ी सी परेशानी होगी, स्वास्थ्य कमजोर होगा, भूमि माता मकान के सुख में कमी आएगी क्योंकि छठे भाव में चला गया। पंचम दृष्टि से दसम भाव में देख रहा है। अब यहां पर गुरु का प्रभाव है क्योंकि दसम भाव में शुक्र 10 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है और शुक्र की 10 डिग्री है। दसम भाव सम्मान का भाव है, राज का भाव है, लग्नेश है, देगा सम्मान, देगा व्यवसाय में सम्मान देगा और पिता का पक्ष अच्छा होगा। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देगा, खर्च भी होगा। और नवम दृष्टि से नीच दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन की हानि होगी और कुटुंब की हानि होगी क्योंकि गुरु नीच दृष्टि से देखता है, कुटुंब में परेशानी आएगी, कुटुंब की वृद्धि को रोक सकता है क्यों, गुरु संतान देने वाला है। यहीं पर नंबर 4 गुरु की दृष्टि सुखी और गुणवान होता है। गुरु की दृष्टि शुक्र पर है, पंचम दृष्टि शुक्र पर है, ऐसा जातक गुणवान माना जाता है, विद्वान माना जाता है। दूसरा, चंद्रमा से एकादश गुरु है, चंद्रमा से जब एकादश गुरु होता है तो राजाओं के समान सुख भोगने वाला होता है, चंद्रमा से एकादश, ये भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी सूर्य है और एकादश भाव में तुला राशि में है, कुछ कठिनाई के साथ आमदनी देगा। संतान विद्या के क्षेत्र में सप्तम दृष्टि से अपनी मेष राशि को देख रहा है, संतान विद्या के क्षेत्र में शुभता देगा, विद्वान होगा, गुणवान होगा, सज्जन होगा। ऐसा जातक राहु से पीड़ित है, राहु की पंचम दृष्टि सूर्य को पीड़ित कर रही है। राहु अपने 16 डिग्री लेकर के विराजमान है और राहु की सूर्य 16 डिग्री लेकर विराजमान है, राहु 17 डिग्री, राहु से पीड़ित है। सूर्य का राहु से पीड़ित हो जाने का मतलब दो हो गया, प्रबल पितृदोष हो गया कि सूर्य राजा है और नीच राशि में सूर्य और राहु का प्रभाव है, पीड़ित है, तो ऐसा जातक को अपेंडिक्स किडनी और पथरी आदि का रोग होगा, जो कि मैंने पहले व्याख्या में बता दिया। अब बात करते हैं
सूर्य के बाद चंद्रमा की। दर्शको चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में ही है। कृष्ण पक्ष नवमी का चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष नवमी कमजोर चंद्रमा माना जाता है। वैसे भी अष्टम भाव में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, बाल अवस्था में जुखाम खांसी जुकाम देगा, केंद्रम योग भी बन जाता है क्योंकि कमजोर कमरा, लेकिन फिर भी अपने भाव को नहीं बिगाड़ेगा। आयु आई यानी आयु दीर्घ होगी, जीवन में ठाठा होगा, सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन के संबंध में चिंता होगी, कुटुंब के सुख में परेशानी होगी और खांसी सर्दी जुकाम ऐसा मामूली बात है, बचपन में होते रहते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों मंगल पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। पंचम भाव त्रिकोण है और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। मंगल मिश्रित प्रभाव देगा, चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव सुख का हानि है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा सुख में, दे भूमि मकान के सुख में परेशानी देगा, परंतु मंगल अपने आप बनाया हुआ मकान इसको मिलेगा क्योंकि मंगल भूमि का कारक है। चतुर्थ भाव में ऐसे जातक को बना बनाया मकान मिलता है। पंचम भाव से द्वादश में आ जाता है, संतान विद्या के पक्ष में सूझ कमी आएगी। चतुर्थ दृष्टि से अपनी शत्रु राशि को देख रहा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी वाली बात आएगी। और सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, दशम भाव के लिए मंगल दिग बली माना जाता है, व्यवसाय आदि में अच्छी सफलता देगा। वहीं पर शुक्र है, मंगल का प्रभाव शुक्र पर है, तो जब बुध की राशि में है, बुध की राशि में शुक्र हो और मंगल का प्रभाव हो तो कामुक स्त्री के लिए धन का नाश करने वाला होता है। यानी ऐसा बालक ऐसा जातक कामुक प्रवृत्ति का होता है और किसी स्त्री के लिए उसमें धन का नाश करने के लिए भी तत्पर रहता है। वैसे ही ज्योतिष में मंगल और शुक्र का अशुभ योग मनाया जाता है क्योंकि मंगल साहसी है और शुक्र जो है दाम्पत्य सुख देने वाला है। असामाजिक कार्य भी हो सकता है, कर सकता है, ऐसा हमारे ज्योतिष विद्वानों का मत रहता है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों बुध सप्तम भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। दशम भाव में उच्च राशि में है बुध, लेकिन 29 डिग्री 30 मिनट प्रभावहीन है, मृत अवस्था में कोई प्रभाव नहीं है। गुरु लग्नेश है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब बात करते शुक्र की। शुक्र छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। छठे से छठा अशुभ, यानी पहले ही छठा है, छठे से छठा एकादश भाव, ऐसा माना जाता है कि धनु लग्न के लिए शुक्र अकारक होता है और अशुभ फल देने वाला होता है। लेकिन शुक्र है, शुक्र हर आदमी को चाहिए। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र बेटी है, शुक्र स्त्री है, शुक्र बहन है और शुक्र धन दौलत है और शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, दाम्पत्य सुख देने वाला। और पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक शुक्र ही है। विवाह में परेशानी, जातक की आयु 88 का जन्म है, 22 और 13 35 साल की आयु होगी, शादी नहीं हो रही क्योंकि शुक्र नीच राशि में है। विवाह का कराने वाला शुक्र ही है और शुक्र जब नीच राशि में हो जहां पर, तो पिता के पक्ष में परेशानी, व्यवसाय में कठिनाई का अनुभव और घर मकान आदि का सुख, क्योंकि सप्तम दृष्टि से उच्च दृष्टि होती है, शुक्र की मीन राशि उच्च दृष्टि होती है, तो घर का सुख मकान आदि सब मिलने का योग बनता है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों शनि तीर्थ भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है और लगन में है। शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ ना कमी, श्रम अधिक, दूसरों से प्रिय और अपनों से विरोध करने वाला होता है। पराक्रम की कोई कमी नहीं, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। दर्शकों यहां पर देखिए, धनु लगन के लिए शनि एकारक है और शनि राहु अधिश राशि का स्वामी है। ज्योतिष में एक बहुत ही एक अच्छा सूत्र है, मैं बीच बीच में बताता हूं। सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु और राहु अधिश राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह में से जहां 2 या 3 अधिक अशुभ प्रभाव जिस भाव पर पड़ेगा उससे पृथकता ला देंगे। यहां पर शनि मिथुन राशि के लिए अच्छा फल देने वाला है, लेकिन राहु अधिश राशि का स्वामी हो गया, एक करेला दूसरा नीम पर चढ़ा। यहां पर शनि
दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी देता है, व्यवहार में परेशानी आती है। तीसरी दृष्टि प्राक्रम भाव पर है, प्राक्रमी तो होगा, साहसी भी होगा, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा प्राक्रम होगा, क्योंकि राहु अधिष्ट राशि का स्वामी, तीसरा भाव प्राक्रम का भाव है, राहु अपने आप में प्राक्रम देगा, आगे बताएंगे। दसम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है शनि, यहां पर दसम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। शनि में राहु के भी गुण विद्वान है और शुक्र दसम भाव में है और कन्या राशि में है। साधारण तौर पर आपका शुक्र किसी यानी कन्या राशि में हो और शनि का प्रभाव हो, बुध की राशि में हो शनि का प्रभाव हो, साधारण तौर पर आपके किसी भी कुंडली में शुक्र कहीं पर भी हो सकता है, तो शनि के प्रभाव से ऐसा माना जाता है कि दसम भाव में शनि का अगर प्रभाव हो तो ऐसा माना जाता है दो विवाह या विवाह संबंधित परेशानी या अलग से प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। किसी भी राशि में शुक्र हो, दसम भाव में हो, अगर राहु और शनि का उसके ऊपर प्रभाव है तो ऐसी आशंकाएं रहती है कि उनके या तो कोई प्रेम प्रसंग या दो विवाह भी हो सकते हैं। ये शनि का मैंने आपको प्रभाव बताया। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु तृतीय भाव में है, प्राश्रमी होगा, हिम्मत वाला होगा, धैर्यवान होगा, घबराता बिल्कुल नहीं, भाई बहन से कोई संबंध नहीं, कोई सुख नहीं मिलता, पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री सुख में त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। मिथुन राशि में अच्छा देना चाहिए लेकिन त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। हमेशा राहु पहले परेशानी देता है, मायावी है, उसके बाद देगा, अड़चनों के साथ लाभ देगा। सप्तम दृष्टि से भाग्य की हानि करेगा क्योंकि शनि की राशि को देख रहा है, भाग्य की हानि करेगा सप्तम दृष्टि से, और नवम दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, सूर्य पीड़ित है, यहां पर सूर्य भी पीड़ित है और नवम भाव भी पीड़ित है, भाग्य की भी हानि हो रही है और सूर्य की भी हानि हो रही है। ये आपको राहु का प्रभाव मैंने बताया। बात करते हैं केतु की। केतु नवम भाव में है, शत्रु राशि में है, भाग्य में अवरोध होंगे। ऐसा जातक भगवान पर कोई विश्वास नहीं करता, धर्म को मानता नहीं, पंचम दृष्टि लगन पर है, लगन में घबराहट होगी, सप्तम दृष्टि प्राक्रम भाव में है, प्राक्रम की तो पहले ही कमी नहीं, क्यों राहु केतु प्राक्रम देने वाले हैं, नवम दृष्टि पंचम भाव पर है, संतान विद्या के क्षेत्र में कमी का योग बनेगा। दर्शकों, मैंने आपको इस जातक के मैंने बताया कि नीच राशि पर सूर्य का प्रभाव, अपेंडिक्स किडनी पथरी रोग मिलेंगे, नीच राशि पर सूर्य राहु का प्रभाव है, अपेंडिक्स पथरी रोग मिलेंगे, बुध राशि में शुक्र पर शनि का प्रभाव, अति दुखी, लोक में तिरस्क करने वाला, चंचल, लोगों से दोष करने वाला और मूर्ख भी हो सकता है, मैंने शनि का प्रभाव भी बताया। उसके एडिशनल मैंने ये भी बताया कि दसम भाव में वो तो आपका कहीं पर भी हो लेकिन इस कुंडली में दसम भाव शुक्र है और शनि और राहु से उस प्रभावित है तो प्रेम प्रसंग विवाह आदि हो सकते हैं, लेकिन इस जातक का तो विवाह ही नहीं हो रहा क्योंकि शुक्र नीच का है। मैंने मंगल की दृष्टि कामुक स्त्री के लिए धन का नाश करने का वाला बताया, मंगल की दृष्टि शुक्र पर है, गुरु की स्त्री शुभ बताया। अब देखिए दर्शकों, शनि की दृष्टि यहां पर अशुभ है, मंगल की दृष्टि यहां पर अशुभ है, लेकिन शुक्र देख रहा है, शुक्र लग्नेश है, शुक्र धार्मिक ग्रह है, शुक्र गलत काम करने से रोकता है, तो यहां पर शुक्र रोक भी रहा है, गलत काम करने से रोक भी रहा है क्योंकि शनि और मंगल से प्रभावित है, 10 डिग्री 10 इसकी है, तो शुक्र जब जिस जगह को देखता है अनैतिक काम, जो असामाजिक कार्य को करने में रोकता है, शुक्र अनुशासन प्रिय, सुख सामाजिक कार्य कराने वाला है, यहां पर शुक्र राहत दे रहा है, जातक को रोक रहा है। परंतु अब बात करते विवाह के संबंध में, सप्तम भाव पर शनि और राहु का शुभ प्रभाव, शुक्र का नीच राशि में होना क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र का नीच राशि में होना विवाह का कारक नीच राशि में हो गया। और दर्शकों, जातक का जन्म अश्लेषा चरण 3 है और सूर्य की स्थिति
स्वाति नक्षत्र में है और अश्लेषा चरण से स्वाति नक्षत्र सातवां नक्षत्र पड़ता है। आपकी किसी भी कुंडली में किसी भी कोई भी लगन की कुंडली हो, अगर चंद्र लगन से सूर्य सातवां नक्षत्र में है तो ऐसे जातक का विवाह तय होने में परेशानी आती है और अगर हो भी गया तो शादी छूट जाती है, सगाइयां छूट जाती हैं, बातचीत आगे बढ़ती है तो आगे स्लिप हो जाती है और शादी भी हो जाए तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। शुक्र नीच राशि में है। दर्शकों अब उपाय की बात करते हैं। परल पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना चाहिए। विवाह का कारक शुक्र नीच अवस्था में, शुक्र के उपाय करने चाहिए, भगवान करना चाहिए। उसके बाद शुक्र और शनि का अशुभ योग, वो भी उपाय करना चाहिए। शुक्र और मंगल का भी अशुभ योग है, कामुक योग है, उसका भी उपाय करना चाहिए। हालांकि गुरु बचा रहा है लेकिन जब उपाय करोगे तो इसका भी हो जाएगा तो क्या हर्ज है, हो सकता है अपनी दशा में ठोकर खा जाए, ठोकर खा सकता है। तो ये उपाय करने के बाद जातक को विवाह नहीं हो रहा है, अर्क विवाह कर लेना चाहिए। जो विवाह नहीं हो रहा है उसका ना का सिर टूट जाएगा और हो सकता है फिर जातक का विवाह हो जाए। सूर्य की महादशा 24/11/2021 से 25/11/2027 तक है, उसमें राहु अंतरदशा 18/1/23 से 13/12/23 तक है, गुरु की अंतरदशा 13/12/23 से 30/9/24 तक। ये शुभ समय है, हो सकता है अगर कोशिश करें, उपाय आदि करें तो हो सकता है। दर्शकों कोई भी जब जातक जन्म लेता है तो उसके साथ पूर्व जन्म के कर्मों का फल जुड़ा रहता है। जिस प्रकार हम अपने पूर्वजों का, पिता का, माता का, दादा का, अगर कोई किसी ने कर्ज लिया तो उसका कर्ज अदा करते हैं, या यूं कहें कि उनकी संपत्ति जो उन्होंने जोड़ी हुई है, जो इकट्ठी किया उसका हम उपयोग करते हैं, तो उसी प्रकार उनके द्वारा किए गए भी शुभ अशुभ कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और जब कोई भी बालक जन्म लेता है तो वो पूर्व जन्म के पर्वों का प्रभाव उसके भी होते सकते हैं, माता पिता के भी हो सकते हैं और पूर्वजों के होते, वो साथ लेकर के आता है। कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है। हम जो भी उपाय या जो भी करते हैं आप ऐसा मान करके सचिए, जैसे कि हम यहां पर अगर मजिस्ट्रेट में किसी केस के बाद कोई हमारा पारिवारिक बंदी हो जाता है तो हम उसकी रिहाई की अपील करते हैं, तो पूजा जप आदि ये सब भगवान को अपील है। अब देखना तो भगवान ने है कि उसके कर्म जो उसने पिछले जन्म में कर्म लेके आया है उसका कर्म उन उपायों से धुल रहा है या नहीं धुल रहा है। लेकिन मनुष्य का काम है कर्म करना, मनुष्य को काम कर्म करना चाहिए, फल तो वो देगा। तो उसको मालूम है, साधारण तौर पर ये बताया गया है कि जितनी पाप ग्रह जड़ होती है अशुभ कर्म की उसके बराबर में उतना ही शुभ कर्म करेंगे तो हो सकता है रूट आउट हो। लेकिन दर्शकों मनुष्य के हाथ में तो सिर्फ कर्म करना है, तो भगवान के साथ अपील करें। ये नारायण बलि वगैरह, काल सब वगैरह, ये ग्रह शांति, ये सभी अपील है, माननी तो उसने है तो हमको कर लेनी चाहिए। दर्शकों मैंने आज इस छोटे से वीडियो में एक जातक की कुंडली का विश्लेषण किया जिसकी दाम्पत्य सुख की हानि हो रही, व्यवहार भी नहीं हो रहा, तुला राशिगत सूर्य पर राहु का प्रभाव, बुध की राशि में शुक्र पर शनि मंगल गुरु का प्रभाव के बारे में आपका मार्गदर्शन किया। हमेशा की तरह फिर मैं कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, जिसने काल सब दोष पितृदोष की पूजा करानी है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हास्य पत्रिकाएं लिखता है, पूरी पत्रिका में जीवन का सार निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष अभिभावक कन्या के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के वर्षों करके उसकी राह आसान करता है, जो चाहिए उसको फायदा उठा सकता है। मैं कहूंगा दर्शकों मैंने अपने ज्ञान, अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार कि ऋषि ज्योतिष एक ऐसा पेड़ है जहां पर कुंडली का अध्ययन भी किया जाता है, पूजाएं भी की जाती हैं और पहले जो पूजा कराए से उनका प्रभाव भी मिलता है, यह भी हमको ज्ञान होता है। मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है तो फिर ये वीडियो दूसरे का भी मार्गदर्शन कर सकता है। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके आ सके और मैं उत्सुकता पूर्वक आपका वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।